कासगंज जनपद में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध सपा नेता अहमद नफीस कालिया पर बुधवार की शाम पुलिस का चाबुक चल गया। भरगैन में उसकी 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। फोर्स के साथ देर शाम भरगैन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मुनादी कराकर उसके BTC स्कूल और कोल्ड स्टोर पर कुर्क करने की सूचना चस्पा कर दी। इसकी कुल 47 अचल संपत्तियां पुलिस ने कुर्क करनी है। आज भी यह कार्रवाई जारी रही। देश की योगी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे गुंडे और माफियाओं के विरुद्ध अभियान में कासगंज पुलिस और प्रशासन द्वारा गैंगस्टर अपराधी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। जनपद में पुलिस न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर अहमद नफीस उर्फ कालिया की 47 अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्तियों की अनुमति कीमत 1,28,60,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें, कासगंज में प्रशासन की गैंगस्टर एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों के होश पुख्ता हो गए हैं। दरअसल कासगंज जिले के भरगैन के हसनतोक में रहने वाले गैंगस्टर अहमद नफीस और कालिया पटियाली कोतवाली के अलावा अलग अलग जनपदों में 13 मामले दर्ज हैं। कालिया के विरुद्ध वर्ष 1993 में अपराध जगत में सक्रिय रहते हुए एवं हत्या करने के का प्रयास जैसे अपराध दर्ज हैं। यही नहीं पर अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहकर अवैध रूप से अचल संपत्ति जुटाने का भी आरोप बताया जाता है। बताया जाता है कि कालिया ने कई अवैध संपत्तियों को अपने बच्चों और भाई के नाम पर कर दिया है। अनुमानित कीमत 1,28,60,000 रुपए की प्रभारी निरीक्षक पटियाली द्वारा अभियुक्त को अवैध रूप से अचल संपत्ति जब्तीकरण हेतु 14 रिपोर्ट जिलाधिकारी कासगंज को प्रेषित की गई थी। DM कासगंज हर्षता माथुर ने 16 नवंबर 2022 को अहमद नफीस उर्फ कालिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किए जाने के लिए कासगंज पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति को निर्देश दिया था, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी पटियाली और उप जिलाधिकारी पटियाली के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उसके बाद उस भूमि पर जाकर सबसे पहले मुनादी कराई गई, उसके बाद सभी संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। वहीं संपत्तियों को कुर्क करते हुए तहसीलदार पटियाली को कुर्क सुधा भूमि दुकानों का रिसीवर नियुक्त किया गया है। कुर्क की गई संपत्ति में कोल्ड स्टोर और BTC कॉलेज सहित 47 अचल संपत्ति शामिल है। कासगंज से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित पंडित के साथ मैं अतुल यादव, ANB न्यूज कासगंज।